पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। हमारी दादी जी, जैसे कोई आ जाता बेर बेचन या प्याज बेचन या कोई और टिंडे बेचन, तो उस गेहूं के बदले में नो पूछा करते, भाई कितनी बार देगा? तो वो जैसा भी देना होता उसने, तो कह देता कि गेहूं के दो बार दूंगा। एक तरफ गेहूं डाल देता, डाल दिए जाते एक साइड में जैसे टिंडे, और उनके दो बार तोल देता गेहूं के इक्विवेलेंट। फिर हमारी दादी का आकर दी, भाई रूंगा और दे, रूंगा और बिना सौदे का कितना और दे। वो दो टिंडे ठा कर और डाल देता, नती ना थोड़ा से एक और डाल देता, ले माई यू रूंगा। उसने रूंगा का करते यानी बिना सौदे का वैसे फ्री में प्राप्ति। तो ये जो यहाँ संसारिक सुख हैं आपको, ये तो रूंगे में दिए जाएंगे आपको, ये सौदा तो अलग है यहाँ का। और दूसरा उदाहरण आपको देते हैं, जैसे कोई गेहूं बोता है, गेहूं बीजता है, तो गेहूं का उद्देश्य बीजने का क्या होता है उसका, कि मेरे बच्चों का मेरा पेट भरे, हम भूखे ना मरे, अपने खाने के लिए बोता है, उसका उद्देश्य यही होता है। और उसके साथ साथ पशुओं का चारा भूसा तो अपने आप बनता है, भूस उसका भूस पहले स्टार्ट होता है और वो गेहूं बाद में आएंगे। तो ये समझ लेना, जो सतभक्ति आपको दिए जाते हैं सब प्रोसीजर मंत्र जाप करने के, इनमें संसारिक सुख तो आपको बिना मांगे मिलेंगे, आप भूस की तरह अपने आप होंगे ही। और मोक्ष, असली उद्देश्य तो मोक्ष का है, असली उद्देश्य किसान का गेहूं बीजन का है कि हमारे बच्चे भूखे ना रहें, हम भूखे ना मरें, पशुओं का चारा था अपने आप हो ऐसे उसमें। तो ये ऐसे मंत्र आपको दिए गए हैं कि संसारिक यहाँ की आवश्यक आवश्यकताएं आपकी ऑटोमेटिकली पूरी होंगी, लेकिन उद्देश्य आपका ये हो। अब जैसे कोई किसान ने गेहूं बीज लिए और कच्चे काट लिए, भूस तो बन गया पशुओं के लिए, काट के खवा दिया था हरा हरा, लेकिन आप भूखा मर जाएगा। तो यदि आप केवल संसारिक सुविधाओं को उद्देश्य लेकर आओगे, वह तो मिलने मिलेंगी खूब, लेकिन वो टारगेटेड पॉइंट फेल हो जाएगा, वो वस्तु जो चाहिए थी वह रह जाएगी, उस बिना फिर भूसका कराएंगे के। तो परमात्मा ने नीरू नीमा को संतान नहीं दी। ये नीरू नीमा कौन थे? क्योंकि ये सात दिन का जो सत्संग है पुण्यात्मा, इसलिए रखा जाता है कि इसमें हम अधिक डिटेल से बता सकते हैं, हमारे पास समय होता है। परमात्मा चारों युग में आते हैं, कबीर परमेश्वर वो सत्य पुरुष ऐसे लीला करते हैं प्रत्येक युग में। ये नीरू नीमा कौन थे? सतयुग में परमात्मा आए थे, सत्सुकृत नाम था, ऐसे ही एक बालक रूप धारण किया था, कमल के फूल पर मिले थे, और उनको एक ब्राह्मण दंपति ने संतान उठा ले गया था, ऋषि। वहाँ परिवर्ष हुई, दूसरी बार भी फिर ऐसे हुए, और वही दोबारा फिर भी वही आत्माएं दोनों थी। और ऐसे ही द्वापर में भी परमात्मा आए थे, उस समय एक बाल्मीक दंपति नी संतान था, वो उठा ले गया था, और उस बाल्मीक के घर परवरिश होने से, और ऐसे ही परमात्मा कमल के फूल पर प्रकट होते हैं और कुंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है। अब जो प्रसंग कुंवारी गाय से होता है वो रह गया, फिर बताएंगे वो कथा, पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते। तो क्या हुआ कि परमात्मा नीरू नीमा कौन थे ये बाद में बताएंगे। अब द्वापर में जो उसमें परमात्मा आए थे, बाल्मीक परिवार में जन्मे थे, जन्मे नहीं थे, ऐसे प्राप्त हुए थे, तो वहाँ एक उसी बाल्मीक उसमें जाति में एक और सुदर्शन नाम का व्यक्ति था, जो कबीर परमेश्वर का शिष्य हुआ था, और उसकी माता पिता ने कबीर साहब की वाणी को, ज्ञान को, दीक्षा को स्वीकार नहीं किया था,
तो सुदर्शन जी वही थे जिन्होंने पांडवों की यज्ञ में वो शंख बजवा बजाया था जिससे उनकी यज्ञ पूर्ण हुई थी। वो सुदर्शन वाल्मीकि था। जब सतलोक जाने का टाइम आया किसका? सुदर्शन का। परमेश्वर कबीर देव जी ने, यानी करुणा में नाम से आए हुए थे परमात्मा, वाल्मीकि परिवार में, इसी तरह जैसे अब जुल्हा परिवार में आए थे, और पहले दो युगों में ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए थे। उनकी प्रवेश की लीला वहां हुई थी, उसमें ऋषि कहलाते थे। तो परमेश्वर ने सुदर्शन जी से पूछा था कि बोल बच्चा, सतलोक चलना है? हाँ जी, तैयार है आपका बच्चा, तेरी कोई इच्छा तो नहीं है? तब उसने कहा था जी कोई इच्छा नहीं आपके दास की, पर एक थोड़ी सी मन में एक मेरे को कचोट रही है, एक चिंता कि मेरे माता पिता बड़े अच्छे आत्मा के थे और उन्होंने आपका ज्ञान नहीं मान्या, वो ना जाने कहाँ 84 लाख योनियों में भटक रहे होंगे। हे परमात्मा, उन पर दया करियो, दया करियो दाता, किसी जन्म में उनको अपनी शरण में लेना। अब परमात्मा ने सोचा यू और मर रहेगा, एक मुश्किल से पाला पोसा है, समझाया है। अब परमात्मा ने कहा सुदर्शन चिंता ना करे, मैं वचनबद्ध होता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, तू चिंता ना करे, जो मैंने कह दिया फाइनल है, तेरे माता पिता ने पार करूँगा मैं किसी तरह भी। इस बात से वो संतुष्ट हो गया और शरीर छोड़कर सतलोक चला गया, नहीं तो वो और उड़ जाओ। तो उस वचन के आदेश से, के आधार से परमात्मा ये नीरू नीमा जो थे गौरी शंकर सरस्वती, ये वो सुदर्शन जी के माता पिता वाली थी आत्माएं थी और उनके पीछे पीछे फिर रहे थे कि मैं पार करूंगा क्योंकि मालिक ने वचन दे दिया। तो जब भी जहां भी इनका जन्म होता रहा तो जहां भी वो जन्म लेते थे उनको सेट रखते थे, उससे पहले भी उनके दो जन्म हो चुके थे, संतान तब भी नहीं थी उनके, यानी उन्होंने इनका काम बढ़ने ना दिया। और तीसरी बार फिर ये ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, फिर उनकी इसी देही तुड़वाई, जब वह ब्राह्मण रह जाते तो कतिय ना मानो, और वो फिर मुसलमान बन गए, फिर जुल्हा का काम करने लगे, संतान फिर भी नहीं थी और मालिक ने नहीं दी, क्योंकि डॉक्टर काम बढ़ाया नहीं करते, वहाँ रोगी की इच्छा नहीं चलती, वो तो डॉक्टर की इच्छा चलती है। तो स्वयं ही आना पड़ गया दाता ने उसके लिए, उनके कर्म बनाने के लिए कि मालिक की लीला करेंगे, पालन की पोषण की, लाड कर करके आस्था बनेगी, तो ये भी शुभ संस्कार बन जाएंगे इनके, तो इसलिए उनको संतान मालिक ने दी नहीं। तो पुण्यात्माओं, जिनका संतान नहीं है उन्होंने समाज की गुट्टी नहीं लेनी चाहिए, इस ज्ञान को आधार बनाना चाहिए। ठीक है, मालिक देव संतान कोई बुरा नहीं, उनको राम नाम पर ला दे, उसके बच्चे हैं, भार उतर जाएगा आपका, परमात्मा से जरूर जोड़ा अपने बच्चों को। तो ऐसे वो रास्ते में आ रहे हैं नीरू और नीमा। नीमा परमात्मा शंकर से कह रही है, भगवान क्या आपके घर में खिलौनों की कमी पड़गी? भगवान मेरा कलंक दो जाता, क्योंकि पहले दिन उसके इंजेक्शन लागे, वो तो वाई बोला बेचारी, और मेरा टाइम पास हो जाता, न्यू वह रोने लगी बुरी तरह। अब नीरू उसको समझान लग गया कि नीमा देखो, परमात्मा ने देना होता हमें, हमारे भाग्य में होता तो दे देते, अब किस्मत में है नहीं, उम्र तकरीबन जाहिरली, अब तू रोया ना कर, अब रोने से तेरी आंखें खत्म हो जाएंगी, बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, तू मान जा मेरी बात, मत रोया कर। ऐसे वो सांत्वना देता हुआ आ रहा है उस सरोवर पर जहां वो प्रतिदिन स्नान करते हैं, स्नान करने आ जाते हैं। पहले नीमा स्नान करने जाती है, वो बाहर खड़ा हो जाता है, नीमा स्नान करके आती है सरोवर में, ब्रह्म मुहूर्त की बातें हैं, यानी सूर्य उदय होने से डेढ़ घंटा, लगभग डेढ़ घंटा पूर्व, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब फिर वो स्नान करके आ गई तो नीरू स्नान करने गया, वो स्नान कर रहा था, उसे पानी डाल डाल कर और पानी के अंदर प्रवेश करके, जल में प्रवेश करके सरोवर में,
नीमा गई वापस अपना कपड़ा धोने के लिए, जिसको बांध कर स्नान किया था उसने। तब तक उजाला सा हो गया था और सुबह की रोशनी या तो बहुत अंधेरा दिखा कर होने लगा, जब बहुत जल्दी रोशनी बन जाती है। नीमा ने क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, जैसे कोई सर्प परमात्मा अपने पैर हिला रहे थे कमल के फूल पर शिशु रूप में लेट के। नीमा ने सोचा कोई सर्प ना हो, मेरे पति को ना डस ले, उसके साथ ही था कमल का फूल। तो क्या देखती है ध्यान से कि उसमें एक बालक है, छोटा नवजात शिशु। और वो कहती है देखियो जी छोटा सा बालक, देखियो जी बच्चा डूबेगा डूबेगा, देखियो जल में डूबेगा, लड़का बालक है बालक है। अब नीरू ने सोचा या तो मेंटल हो ली, अब इसने जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे। हे भगवान, हे परमात्मा, दया करिए या कति पागल होकर मरेगी। और वो स्नान कर रहा, ध्यान नहीं दे रहा, और कह रहा है कि नीमा मान जा मेरी बात, अब छोड़ दे इस बहम को। वो कहते देखियो जी सचमुच देखियो देखियो कि डूब गया डूब गया। अब उसने जब इतनी शीघ्रता से और कसक से कहा तो उसने देखा उस तरफ जिधर वो संकेत कर रही थी, सचमुच कमल के फूल पर एक बालक। उसको उठाकर कमल के फूल समेत अपनी पत्नी को थमा दिया। अब परमात्मा को कमल के फूल समेत उठा के अपनी पत्नी नीमा को दे दिया। अपने आत्माओं, अब उस परमात्मा को सीने से लगाकर वो माई, अब कभी तो वो उसका मुख चूमती है, कभी सीने से लगाती है और सो सो शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान के कि आज ही पुकार करी थी। पुकार करती तो सारी उम्र होगी थी उसने, पर या बुद्धि काम मना करती मारी ने कहा आज पुकार करी थी, दाता तेरे चरणों में आज ही आपने मेरे को लाल दे दिया। यहाँ गरीबदास साहब जी कहते हैं जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा, जो स्वयं आया गोदी में उसका जिक्र भी नहीं और शंकर भगवान के नंबर बने। या ऐसे ही बन रहे हैं इनके नंबर सबके, जैसे ये दास श्री कृष्ण जी, विष्णु जी, शंकर भगवान, हनुमान जी और श्याम जी, इन सब के पुजारी थे। जैसे बच्चे ने तो शिक्षा में पास हो जाए वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, तो वो पास हो जाते हैं, शुक्र मना करते अपने भगवानों का। फिर रोजगार प्राप्त हुआ, सर्विस लगी, शुक्र मनाया अपने भगवानों का। संतान में हुई, उस शुक्र मनाया इन्हीं भगवानों का। अब पता चला कि ये तो कुछ दे ही नहीं सकते, ये तो पिछले संस्कार फलें थे, एज इट इज था, नो का नो पूर्वनिर्धारित जो लिखा हुआ प्रारंभ था वही मिल रहा था। और पूर्ण परमात्मा कबीर जी हमारे संस्कार भी चेंज कर देते हैं, हमारे पाप का नाश करके हमें सुखी कर सकते हैं, दुख का निवारण कर सकते हैं। ये था वो धनी, कहते जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा, जो सब कुछ करता उसका जिक्र भी नहीं था। अब क्या होता है, अब गरीबदास साहेब जी ने परमात्मा के बारे में कैसा चित्रण किया है अपनी अमृतवाणी में, थोड़ा सा ये वर्णन करते हैं। परमात्मा की ये अमर वाणी है पुण्यात्माओं, जैसे यहाँ आए हुए बच्चे जो सो भी गए, छोटे छोटे बेटा बेटियां, उनके ऊपर भी ये वाणी असर कर रही है, उनके अंदर बहुत कुछ प्रक्रिया कर रही है। जैसे एक सर्प डसा हुआ व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और गार्डू एक मंत्र, एक सेंटेंस सा अपना सिद्ध कर देता है, उस मंत्र को बार बार बोलता रहता है शरीर के ऊपर, ना वो तो अचेत पड़ा है, और उसके बोलने से, उस वाणी के मंत्र के प्रभाव से वो विष रहित होकर के सचेत हो जाता है। और ये वाणी तो सब सिद्ध है परमात्मा सतपुरुष की, और हमारी आत्मा असंख्य जन्मों से सनी पड़ी है इन पापों से, प्रारब्ध के पाप भी बिना गिनती के हैं।
और इस वाणी के रह रहकर पाठ और सुनने और सुनाने से करने से ये आप किसी का ना भी समझ माती पशु पक्षी चींटियों पर भी असर करेगी और इन बच्चों पर जो इन पर और शीघ्र करेगी, क्योंकि ये मनुष्य जीवन प्राप्त है। और ये जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, घास फूस, ये सभी जीव हैं, ये अपना कर्म भोग रहे हैं, इनके ऊपर भी परमात्मा की यह अमर कथा असर करेगी, इनको शीघ्र अब मनुष्य जीवन मिलना शुरू हो जाएगा। और कलयुग में जहाँ जहाँ इस मालिक की वाणी का प्रचार इबते ढूंढा ठा होगा परमात्मा, क्योंकि मोबाइल बनवा दिए दाता ने, इसी चिप बनवा दी, इसमें 40 घंटों का सत्संग अमर वाणी आ जाती है। और जहाँ भी कोई बच्चा जैसे यहाँ देखता है दास कोई बेलदारी कर रहा है अपना, यहाँ कोई सेवा करने आ रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, काम कर रहे हैं, खेतों में भी अपने जेब में मोबाइल चल रहा है और काम कर रहे हैं, वाणी वहाँ भी चल रहे हैं, सुन रहे हैं, मंत्र चल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ ये वाणी फैलेगी उन सब का उद्धार होगा इस सत्कर्म मान लेना, और मनुष्य जीवन प्राप्त होगा, आधे से ज़्यादा संस्कार इनके खत्म हो जाएंगे उनके भी, और तुरंत मानव शरीर प्राप्त कराना शुरू कर देगा, क्योंकि हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं और उस परमात्मा ने सभी के ऊपर रहम है, सभी के उद्धार की चिंता है, किसकी किस प्रकार होगी, किसकी किस प्रकार होगी, वो सब अब परमात्मा ने सारे फार्मूले लगा दे रहे हैं, क्योंकि अब ये वो मोक्ष समय आ गया जो परमात्मा। तो कहने का भाव दास का ये है कि इस अमर वाणी ने जितनी बार सुना उतना ही थोड़ा, और परमात्मा की कथा को सुनने में आपकी इतनी रुचि रहनी चाहिए जैसे आप सुबह आहार करते हो और शाम को फिर उसी भूख लगती है तो आप स्वस्थ हैं। और यदि आपको कुछ अरुचि बनती है भोजन में तो समझो आपके कोई ना कोई शरीर में रोग स्टार्ट हो गया है। अब उसका इलाज क्या है, उपचार क्या है, भूख ना लग गए तो कोई टेबलेट लेनी पड़ेगी, कोई रोग है तो कड़वी औषधि खानी पड़ेगी तब भूख लगेगी। तो अब ये परमात्मा की कथा वाणी ये दोनों काम करेगी, आत्मा की खुराक भी है और ये रोग नाशक भी है। इसमें जिस व्यक्ति को ये अरुचि होती है कि ये तो कई बार सुन ली तो समझो उसका कोई पाप कर्म जोर दे गया, अब कोई करड़ा पाप आ गया। तुलसी पिछले पाप ते हरिचर्चा ना भावे, और जैसे जबर के वेग ते भूख बेदा हो जावे। किसी व्यक्ति को मलेरिया जबर हो गया हो और उसको भूख नहीं लगती, काजू किसमें सेब संतरे रोटी प्रतिदिन जो आहार करते हैं वो भी कड़वी लगती है, रोटी कड़वी नहीं, मनुखा दाख कड़वी नहीं, उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी कि स्वादिष्ट वस्तु भी उसको कड़वी लग रही है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, कुनीन खानी पड़ेगी, कड़वी जीभ पर बिना रखी जाए इसी कड़वी और फांकी मारनी पड़ेगी तब वो जवर उतरेगा, और जवर उतरेगा तो भूख फिर स्टार्ट होगी और फिर ऐसी भूख लगेगी, बुखार उतरने के बाद इतनी गजब की भूख लग गया करे, घर के भी नहीं क्या करें, घनी रोटी ना खावा कदे फिर बीमार हो जा। तो पुण्यात्माओं प्रथम बार जो सत्संग सुनता है उसने अरुचि सी बनती है, कदे सुनया नहीं कबीर भगवान बताओ है, हमने तो कदे सुना नहीं, तो ये उसका जबर है, मलेरिया हो रहा उसका। और कुछ एक ना वो भी चर्चा अच्छी ना लगती भगवान की, रागनी कितनी सुन ले, फिल्मी गाने तो रात में भी सुने जा, और ये ना अच्छी लगती तो उसके पाप कर्म के कारण उसकी आत्मा मूर्छित हो रही है, वह ग्रस्त है उस जवर से, पाप के जवर से, और पाप कटेंगे इस अमृत की वाणी, अमृत वाणी के ट्रीटमेंट से। और फिर वो व्यक्ति हिम्मत सी करके ये वचन सुन ले भगवान के सत्संग के, ये फांकी मार ले
और पांच चार सत्संग ना चाहते हुए भी सुन दे, जैसे गोलियां कोई खाकर बट्टी जो खाकर राजी है कोई, पर हंगासा करके खानी पड़ती है और फिर रंग लाती है, बुखार उतार देती है, बुखार उतरते हैं, फिर वो रोटी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि सूखी खा जा, सब्जी की भी आवश्यकता नहीं। अपने आत्माओं ये दास देखता है, गांव गांव में घर घर में जा कर के दास ने परमात्मा के ये अमृत वचन सुनाए। पहले तो परिवार का एक सदस्य किसी के कहने से दास के पास आया, फिर पाठ रखवाया। घर जाते थे तो घर वाले उनके सारे नौकड़ुए कड़वे देखा करते, यू कौन आ गया, यू के करेंगे फंड हमारे घर पर। और जब सुने थे सत्संग तीन दिन सामने बैठ कर ना सुने थे, तब अम्मा ही लाया करते छत पर, सुन इन्होंने भी सुनना दिया। वो अपना बैठ कर किता न किता जरूर सुनते, कोने में कमरे में बाहर भीतरे, तो ये तो इसे वचन है उसकी उतार देंगे बुखार को। अगले दिन तक वो सत्संग सुनने के लिए सामने बैठ जाते थे, और फिर वही व्यक्ति जो सुनना भी पसंद नहीं करे थे, 100-100 किलोमीटर जाकर सत्संग सुनने आया करते। वह भूख जागी उनके, वह पाप कट गए, वह बुखार उतर गया पाप कर्मों का। इस वाणी में इतनी प्रबल शक्ति है, भगवान की वाणी है, कबीर भगवान की, गॉड गिवन है, गरीबदास जी को दी उन्होंने, आगे लिखवाई, भगवान का दिया हुआ ये वो मंत्रित ग्रंथ है। अब परमात्मा की थोड़ी सी वाणी सुनाते हैं, फिर हम उस कंसेप्ट पर आएंगे कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, कुंवारी गाय का दूध पीता है और नहीं पीता हो, ये गुण कौन से भगवान में है जो वेद बताते हैं, ये फिर कंसेप्ट हो जाएगा। वेद जो बताते ही इज गॉड, जो वेदों में वर्णित है वो है पूर्ण परमात्मा, और वो लीला की किसने, वो हम उनकी लीलाओं से पता लग जाएगा। श्री राम को हम भगवान मानना थे वह देख लियो, श्री कृष्ण ने मानने थे उनमें देख लियो, जो लीला पा जाता है। और कबीर साहब की लीलाओं में जो के तो विद्वान आपको दिखाएंगे, 600 वर्ष पहले लिखे हुए, और वेदों में आप पढ़ ही रहे हो, अब देखना। अब सुनाते हैं आपको, जब नीमा ने परमात्मा को गोदी में लिया, पुण्यात्माओं जिस परमात्मा के लिए मंसूर जैसे महापुरुष ने अंग अंग कटवा लिया लेकिन भगवान का मार्ग छोड़ा नहीं, और शेख फरीद जैसे महापुरुष ने कुएं में लटक कर जीर्ण शीर्ण कर लिया शरीर को मालिक को पाने के लिए, गोपी चंद और भर्तरी जैसों ने राज त्याग दिया भगवान को पाने के लिए, और वो परमात्मा एक सहज स्वभाव से और उस पुण्यात्मा के सीने से लगा हुआ बालक रूप में, अब पुण्यात्मा बर्फ के डले पर, बर्फ की डली पर, सिल्ली पर स्वाभाविक हाथ टिक जावे तो भी उसका स्वभाव है ठंड करने का, और आसपास रखी हो तो भी उसकी उससे एक ठंड की लहर निकलती है। तो यह सुखदाई परमात्मा है, जब आत्मा के निकट आ जाता है उसके पाप दूर भाग जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं उस समय। अब गरीबदास साहब जी क्या बताते हैं उनकी अमृत वाणी में, परमात्मा से प्राप्त वाणी में आपको सुनाते हैं। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब भाई टूटे जम जंजीर, अंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही, जल थल पृथ्वी गगन में, जल थल पृथ्वी गगन में ये बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही,
जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाए। अपने आत्माओं, हमने भगवान सुना था पर उसके गुणों से परिचित भी थे, लेकिन ये देखा नहीं था, सुना कहीं कभी नहीं सुना था कि वो भगवान ऐसा है। अब पता चला कि वो परमात्मा जो हमारा भगवान है वो हमारे लिए कितना दुखी है। अब कितना कष्ट उठाता है जिसका बच्चा कुमार्ग पर चल पड़ता है, शराब पीता है, सुल्फा पीता है, या कोई और चोरी ठगी करता है, बकवादों में बढ़ गया है, वो मात पिता उस बच्चे के पीछे पीछे फिरा करें, कभी इसको सोधी आ जा और हमारे पास लौट आवे, बुराई छोड़ दे, तो अपने बच्चे को फिर वो सर्व सुख देने की चेष्टा करते हैं। तो हम बिगड़ गए और बिगड़ के इस काल के साथ आ गए, इसने हमारे साथ यहाँ हमारे को दोना बुरे काम में पला दिया। अब पिताजी आते हैं वहाँ से, हमारे दुख को देख कर किसी प्रकार ये मुझे पहचान लें और उस सुख से इन्हें परिचित करा दूं, जिस फिर ये वहाँ चल पड़े सारे। अब सारे ब्रह्मांडों का रचनहार और यहाँ एक एक झोंपड़ी में आकर बैठ गया और कपड़ा बुनाए, कहते सौ साल सीधर मैं करूँ अपने जन के काज, और सारे ब्रह्मांडों का संचालन वहीं से रिमोट से कर रहे थे, काशी की कुटिया से। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहेब जी, सेवक होकर उतरे, एक दास बनकर आए इस पृथ्वी के माँ, और किस लिए, जीव उदाहरण जगत गुरु, जीवों का उद्धार करने के लिए। जगत गुरु माने सबको ज्ञान देने के लिए, सबके ज्ञान दाता यानी जगत गुरु, सबको सबको सतमार्ग बताने वाला परमात्मा, एक दास बनकर, सेवक बनकर, जुलाहा बनकर। अपनी वाणी में देखो परमात्मा ने सब जगह दास शब्द प्रयोग किया, कबीर दास, कबीर दास। और ये हमारे लिए भाई अड़ा आंडी पाके पार नहीं पड़े, या तो दास बनोगे, नम्र होगे तो मैं निकट आ सकूंगा, ये नियम है मेरा। जैसे रावण ने भक्ति बतेरी की, आप नहीं कर सकते ऐसी भक्ति। रावण ने भक्ति की, यहाँ से काट के चढ़ा दिया, किया वैसा मिल गया, लेकिन आधी नी ना आई। कहते हैं बिन आधी नी के, कहते हैं आधी नी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बे अदबी सरकाल। फिर कहते हैं विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा, दासातन आया बेसवे बीसा, ताको लंक दे बख्शीसा। तो उसने जैसे विभीषण के अंदर दास भाव था, वो कबीर परमेश्वर जो मनिंद्र नाम से आए हुए थे उनका शिष्य था, रावण में एक अहंकार था, उसमें दास भाव नहीं था, उसका सर्वनाश होया। तो यहाँ ये शिक्षा दे रहे हैं कि भाई तुमने नम्र बनना पड़ेगा, मुझे बुलाने के लिए, मुझसे लाभ लेने के लिए, यहाँ पर अहंकार नहीं चलेगा। कभी यो मन पापी अभिमान करने की चेष्टा करे तो याद रखे हमारे भगवान भी किस तरह रहा करते थे, कोई दानक कहे, कोई ढेड़ कहे, कोई दुलाहा कहे, कोई बुंडा कहे, कोई गुंडा कहे, लेकिन सबकी सहन करते हुए अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे थे। आप जी ने भी ऐसे ही करना है। कहते हैं मान अमान करो को ना कोई, मम संत शरण और जगत जान छोई। जब आप, कबीर साहब कहते हैं मेरे संत की जब शरण में तुम आ जाओगे तो आपका चाहे कोई अपमान करें, यानी समाज वाले, संसार वाले, और चाहे आपका आदर करें, उनकी तरफ नहीं देखना, आपने अपना उद्देश्य याद रखना। तो यहाँ कहते हैं सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माँ, और जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जा, बालक बन के आगे। फिर क्या कहते हैं, काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वह जंगल में दीदारे। मोमिन मुसलमान दुलाहे को जंगल में मिले परमात्मा, और कैसा रूप था उस मालिक का, शिशु का, कोट किरण शशि भाने, सुधिये आसन अदर विमाने।
वहां सतलोक में तो परमात्मा के एक रोम को करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा रूप है। लेकिन यहां हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आए हुए थे। कोट किरण शशि भान, शशि माने चंद्रमा, भानु माने सूर्य, करोड़ कोटि कोटि किरण शशि भान है सुदिये आसन अधर विमान। अधर माने ऊपर तो मालिक का ऐसा शरीर है और नीचे प्रसद पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। पूर्ण परमात्मा को सीने से लगा रखा था, छू रखा था उसने नीमा ने, कहते उसकी कति आनंद काया होगी थी, शीतल पिंड पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करे दमक पदम अनंते। गोद लिया मुख चूम के बालक का, उस परमात्मा का गोदी में लेके सीने से लगावे, मुख चूमे और शुक्र मनावे। हेम रूप झलकंते, हेम माने बर्फ कैसी सफेद सफेद शरीर था मालिक का, बर्फ जैसा, जैसे कोई कपड़ा खरीदने जाते थे ना सफेद, तो उसको कहते थे दुकानदार को, भाई सफेद देना, स्नो वाइट हो, स्नो वाइट यानी बर्फ के साथ सफेद। तो वो यहाँ परमात्मा के विषय में गरीबदास साहब कहते हैं कि हेम यानी हेम रूप झलकंत, उनका शरीर रूप बर्फ जितना सफेद था, स्नो वाइट था। और जगर मगर काया करे जानो दम के पदम अनंत, ऐसे शरीर से नूर निकल रहा था परमात्मा के, झलमल झलमल हो रही थी उस समय। फिर अपना सेट कर लिया, काशी उमटी गुल भया वहा मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है कोई कह इंद्र कुबेर। नीरू कहने लगे अपनी पत्नी से कि तू इसने यही रख दे, हम साथ नहीं ले जाएंगे, पहले हम हिंदू थे हमें मुसलमान बना दिया, हिंदुओं से परिचय रहा नहीं, लिंक रहा नहीं, मुसलमानों से इतना संबंध हमारा है नहीं, हमारा कोई नहीं नगरी में। लोग पूछेंगे, जनता पूछेगी कहाँ से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल से, और वो हमें प्रताड़ित करेंगे, कहेंगे तुम झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर कभी बालक रुक सकता है, और वहाँ कहाँ से आ गया, इतने गहरे पानी में माँ कैसे छोड़ आई इसको, झूठ बोलते हो, ये है रो, और हमें देश निकाला दे देंगे, बच्चा भी छीन लेंगे। नीमा तो इसको रख दे। नीमा बोली मैं नहीं रख सकती, इस बच्चे ने ना जाने के जादू कर दिया मेरे पे, मैं मर जाऊंगी, प्राण त्याग सकती हूँ पर इसको नहीं छोड़ूंगी। अब नीरू ने सोचा कि यह कति अंधी होगी, आगा पीछा नहीं देखती, और इसको मैंने घना प्यार दे दिया, क्योंकि संतान ना होने से मैं इसकी सब बातें मानता रहा, ये अनाड़ी बन गई, और ये आने वाले संकट से परिचित नहीं है, इसलिए अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं तेरा थप्पड़ मारूंगा। पहली बार हाथ किया अपनी पत्नी की ओर उसने, या रख दे इस बच्चे को यहाँ पर। उसी समय परमात्मा बोले कि नीरू मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, ले चलो मुझे, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। अब उन्होंने सोचा, बालक बोल पड़ा कि विराज में फरिश्ता हो कोई, यू कोई देवता आ गया हो चुप, या कोई भूत प्रेत तो हो, डर गया, आगे आगे हो लिया चुप करके, घर पर आ गए, घर आकर देखा इतना सुंदर बालक की तो देखा ना सुना। यहाँ तक लिखा गरीबदास जी ने कि गीत गाती आओ थी औरतें, टोल के टोल झुंड के झुंड लड़के को देखने के लिए, हर न्यू भूल गई, न्यू तो पता लगा वहां से मिल गया, पर विरोध नहीं करा। मालिक कहते सतगुरु दो चाह वैसो कर ही। अब वहां कहते जो भी देखे वो ही अपने अपने हिसाब से परमात्मा ने आके, जैसे क्या करना, कोई बच्चा पैदा हो जाता तो न्यू क्या करें, यो इसके मामा पर शक्ल जा है इसकी, दूसरी न्यू कहेगी ना इसके काका ते मिल रहे हैं, कोई भाई तो बतावेगी, कोई किससे थे, तो इसी प्रकार अपनी अपने आइडिया देने लगे काशी के व्यक्ति। उसके विषय में गरीबदास साहेब जी क्या बताते हैं, काशी उमटी गुल भया
गुलबाने शोर हो गया सारे नगर में, मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे कुबेर। परमात्मा उस बालक को कहते, कोई कहे ब्रह्मा का रूप है, कोई कहते विष्णु का जो का त्यो जागता रूप है, कोई कहे शिवजी जैसा सुंदर है, और कोई कहे इंद्र का रूप है, कोई कहे कुबेर धन का देवता आ गया यो तो दिख है, कोई कहे वरुण धर्म राय है, कोई कहते है ईसे, सोला कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे, भक्ति मुक्ति लेकर उतरे, और मेटन तीनू ताप, एक मोमन कडेरा लिया, कहे कबीरा बाप। परमात्मा के विषय में गरीबदास साहिब कहते हैं कि भक्ति और मुक्ति लेकर अवतरित हुए मालिक यहां पर उतरे, और मेटन तीनों ताप, हमारे सब दुख दूर करने के लिए आए थे, और एक मुसलमान जुलाहे के घर पर डेरा लिया, उसको बाप कहा भगवान। अपने आत्माओं कलेजा मुंह को आता है दास का, जो परमात्मा की सच्ची थी सामने घूमती है, हम कितने दुष्ट हैं, कितने नीच हैं, अपने परमात्मा को ना पहचान कर काल के जाल में जानबूझकर फंसे पड़े हैं। वो हमारा पिता है, हमारे लिए भटक रहा है, यु काल कभी भी ना आता, मैंने संभालना, कोई मरो से जियो, किसी का आँख फूटो से किसी की बेटी मरो से बेटा मरो, क्योंकि ये हमारा नहीं है, हमारा तो कबीर साहब है, और वो हमारे पीछे भटक रहा है। इस काल ने हमारी बुद्धि भ्रष्ट करा दी अज्ञान से कि कबीर तो भगवान हो ही नहीं सकता, और इन औरों को जिनको हम भगवान मान रहे वो किसने बनाया, भाई कहीं तो इतिहास दिखा दो उनका कि तो वो भगवान की संज्ञा में हो। भगवान किसे कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है वो तो मूल मालिक समझो, तीनों गुण रूपी शाखा है। 16 और 17 श्लोक में 15वें अध्याय में 3 पुरुष बताए, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान, जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो अंडरस्टूड है। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य ही है, वो कौन है? 8वें अध्याय के 1 श्लोक में अर्जुन ने पूछा परमात्मा आपने, 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता जी में कहा, वो तत्परम को जानकर सारे अध्यात्म से परिचित व्यक्ति सब कर्मों को समझ कर केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती उसकी, तो किम तत्परम, वो तत्परम क्या है? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर उसने 3रे श्लोक में दिया 8वें अध्याय के, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, परम माने श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उसी परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कहा है कि उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य है, किससे? सर्व पुरुष और अक्षर पुरुष से, 16वें श्लोक में जो वर्णित है, और वही परमात्मा कहता है, परमात्मा जो श्रेष्ठ भगवान, जो किसी को दुख नहीं दे केवल सुख दे, उसको भगवान कहते हैं, स्वामी कहते हैं, नहीं तो कसाई भी स्वामी है अपने बकरियों का, पर वो सुखदाई नहीं है। तो इस प्रकार ये काल हमारा स्वामी बना हुआ है और हमें बकरे समझ रहा है, ये हम इसको स्वामी मान रहे हैं, प्रभु मान रहे हैं अपना, हमारा स्वामी तो सतलोक में है और वो यहाँ हमारे लिए भटक रहा है, आता है, वो परमात्मा है, वो दुख नहीं देता किसी को। अब यहाँ के भगवानों को आप देख ले, कपिल मुनि जो है, कपिल ऋषि, ये यहाँ के 24 अवतारों में से एक है कपिल भगवान, और सगढ़ राजा के 60,000 पुत्र थे, वो अपना पृथ्वी पर किसी ने बता दिया, वो यज्ञ करें थे,
किसी ने बता दिया कि एक तालाब बनवा दे, एक बगीची बनवा दे, एक कुआं बनवा दे, तो उसको एक अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य होता है। तो उनका ऐसी शरण उठी, 60,000 थे, लाग गए सारी पृथ्वी में खड़े खोदन। पृथ्वी गई विष्णु भगवान के पास और उससे कहा कि भगवान मैं तो जिलावतन कर दी, और किसने कर दी कि 60,000 सगड़ के पुत्र हैं, सारी खोद गिरी उन्नत में। तो विष्णु भगवान बोला जाओ मैं करता हूँ व्यवस्था इसकी। वो वापस आ गई, एक देवी है प्रत्येक ग्रह के, प्रत्येक पृथ्वी की, सब समुद्र के अलग अलग इन्होंने देवता डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। तो पृथ्वी देवी वहां गई, उधर से एक विष्णु ने क्या किया कि इंद्र को कहा कि तेरी गद्दी खतरे में है और 60,000 सगड़ के पुत्र हैं, वो ऐसे ऐसे यज्ञ कर रहे हैं, अब तू देख ले, जब उनकी यज्ञ पूरी होगी तो तेरी गद्दी छीन कर उनको देनी पड़ेगी। अब वो क्या करते थे, उन्होंने एक घोड़ा रखा हुआ था, उस घोड़े के गले में पंपलेट टांग रखा था कि हमारे मार्ग में जो बाधा करे युद्ध के लिए तैयार हो जाए, हमने को रोक कर नहीं। अब वो श्याम ने सारा दिन खोद पाट के थक के सो गए, वो घोड़ा बंध रहा था। अब इंद्र ने भेजे अपने दूत वो घोड़े को खोल के और कपिल मुनि की जांग के बांध आए। वो तपस्या कर रहा था, काफी वर्षों से बैठा था और उसकी आंखों की पलक भी जमीन पर टिकी हुई थी। अब वो ध्यान मग्न था, उसकी जांग का घोड़ा बांध आए। अब उस घोड़े की तलाश करीब है, किसने पकड़ दिया। सुबह उठे जब वो सारा लापड़दा चल पड़ा, घोड़े की पैड देखता देखता ऋषि के बांध रखा जांग के, क्योंकि बिना खाए पिए शरीर सूख के, जैसे इस वट वृक्ष की पीपल की जड़ दिखा कर माटी तो बाहर नारी नारी नू, ऐसे वो टांग हो रही थी, उनमें रस्सा बांध आई। अब इन्होंने जाकर क्या देख किया कि उसके इक्खों में भाले ला दिए नू, भाले नोकीले, वो भाले एरो नो सोच के कि यू और हमारे घोड़े ने बांध दे बैठा, देख उसके बाले चबो दिए दोनों तरफ से और कहा उठ हो पाखंडी, खड़ा हो युद्ध कर हमारे साथ। अब उसकर ऋषि का हुआ दर्द, कसूता हो नकल उन्होंने जोर तो हमारे गति दे ही, और वो एकदम क्रोध हुआ, उसने ऐसे वो उठा दी पलक, वो तो एटम बम बना बैठा था, न्यों कर दी, वो सारे 60,000 के 60,000 जल गए, अग्निबाण छूटे उसकी आंखें थे, 60,000 मार डाले उस कपिल मुनि ने, उनके भगवान ने। और कपिल भगवान के हैं, इसने श्री कृष्ण जी का इतिहास देख ले कितने मारे, श्री राम का इतिहास देख ले, और इस परमात्मा का इतिहास देख लो, जब कीड़ी बीमारी होता है कितना जुल्म ढाए परमात्मा के, कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी मालिक ने, क्योंकि किस अब इसको पता किस न मारूं, सब मेरे ही तो हैं, अपने के मारे जाकर किसी पे। अब आपने ऋग्वेद में पढ़ा वो सहनशील है, वो कबीर देव सहनशील है, परमात्मा वही है सहनशील, देख लो इतिहास किसी के आज तक। तो वो परमात्मा इति उद्धारता है, वो परमात्मा भगवान कहता है। तो ये हमारे परमात्मा है, हमारे भगवान है, हमारे लिए भटक रहे हैं, ये सुख सुख देते हैं, दुख नहीं देते। सतलोक में जब चले जाएंगे वहां दुख नाम की वस्तु नहीं है। तो अब हम उसी उस पर आते हैं। अब 25 दिन के हो गए परमात्मा, ना दूध पीवे ना अन्न खावे, दूध न पीवे ना अन्न भखे, नहीं पालने झूलंत, माँ ही पालने झूलंत, माँ ही यानी पालने में झूलंत, अदर अमान ध्याने में वो कमल कला फूलंत। अब क्या बता रहे हैं कि ना दूध पीवे ना अन्न खावे, और शरीर ऐसे प्रोग्रेसिव था, ऐसे बढ़ रहा था जैसे कमल बढ़ा करें, कमल के फूल, कमल का पौधा किसी जल में तो होता ही हो, वहां कितना पानी चढ़ जा, एकदम पानी
चाहे फलन टाइप भी आ जा, वो साथ के साथ ऊपर चढ़ता चला जाता है, इतना नीचे से इतना प्रोग्रेस कर जाता है। तो यहां लिखा कि वो कमल कला फूलन ते, फल फूल तो ऐसे रहा था परमात्मा जैसे कमल रोज बढ़िया करे, लेकिन कुछ खा पी नहीं रहा था, तो उस मुंह बोली माता को चिंता बन गई और उसने भी अन्न पानी त्याग दिया। दो दिन पर एक दो दिन पहले 25 दिन का जब हुआ, एक दो दिन पहले उसने भी अन्न पानी त्याग दिया माई ने, कि हे भगवान अब ये लड़का मरेगा, हे शंकर भगवान इसे अच्छा ना देते तो सबर हो जाता रो पीट के, अब साथ में मरूंगी, मैं जी नहीं सकती, इस दुख को सह नहीं कर सकती। अब परमात्मा ने सोचा है बुढ़िया मरेगी, शिव जी को प्रेरणा करी, कहते करे करा वसाइया मन में लहर उठा, हर दादू सिर दर्जीव के आप बगल हो जा। शिव जी का प्रेरणा कर दी, रिमोट दाब दिया, उसने देखा कौन कौन रो रहा है तुझे याद करके, ना तो दुनिया रो है, वो प्रेरणा मालिक की साधु रूप बनाकर आए मिनटों में यहाँ पर, और पूछा माई क्या बात है क्यों रो रहे हो। माई ने कहा बाबा जी आप भी रो पड़ोगे, मेरे दुख न मत सुनो। शंकर भगवान ने कहा माई फिर भी कहते अपना दुख बता दे तो हल्का हो जाता है, आप बताओ तो सही। फिर उसने सारी कथा बनाई बताई कि हम नी संतान थे, एक दिन भगवान शंकर को याद किया था सच्चे दिल से, मेरे मालिक ने कमल के फूल पर एक बालक दिया था, अब 25 दिन हो गए ना कुछ खाता ना पीता, अब यही प्रार्थना कर रही हूँ कि या तो मुझे ये देना नहीं था भगवान, अब ले क्यों रहे हो, अगर यदि अमर गया तो साथ ये प्राण साथ जाएंगे आज मेरे, मैं न्यू रो रही हूँ। तब शंकर भगवान ने कहा साधु वेश में के दिखा माई तेरे बेटे को, वह लाई उठा के और सोचा महात्मा के चरणों में डाल दें, कुछ ये दुआ दे दें आशीर्वाद दे दें, ये रोटी कुछ खा ले मेरा पुत्र। कबीर परमात्मा को नीचे डालना चाहा चरणों में श्री। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? भगवती दास। सर कहाँ से हैं आप? हम बदनावर तहसील रूपागढ़ के। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं बजरंग बली की भी बहुत भक्ति करता था, तन मन धन से भक्ति करता था। बजरंग बली ने मुझे सपने में भी आया था, मुझे एक उन्होंने सिद्धि भी दी थी कि तेरे हाथ में एक गेहूं की कच्ची एक तरफ सेक के रोटी तू जिसको भी खिला देगा उसके रोग भी ठीक हो जाएंगे और तेरी जो आर्थिक समस्या वो भी ठीक हो जाएगी। मगर सर कुछ भी नहीं हुआ। माता जी की भी मैं बहुत ही भक्ति करता था, माता जी को मैं 5 दीपक जलाता था और माता जी की एक शक्ति भी थी मेरे पास में जो नारियल की थी, उससे मैं मतलब आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान की भी बात बता सकता था। मगर फिर भी मेरे घर की ना तो कोई आर्थिक समस्या ठीक हुई ना कोई हमसे कोई बीमारी नहीं कि हम मम्मी बहुत ही दुखी थे। सर मेरे को दर्शन भी दिए थे, माता जी की जोत आसमान से मेरे घर पर उतरी थी, शेर की सवारी की चौकी मेरे घर पर थी और माता जी कई बार मेरे को दर्शन भी दिए, प्रत्यक्ष भी दर्शन दिए, अप्रत्यक्ष भी दर्शन, सपने में भी मेरे को गोद में जैसे बच्चे को खिलाते इस प्रकार माता जी ने मेरे को गोद में खिलाया है। और उसके बाद फिर भी मेरे घर की मेरी पत्नी की मेरे बाल बच्चों की कोई भी समस्याएं ठीक नहीं होती थी, इतनी भक्ति करने के बाद में भी मैं तकलीफ में ही था। सर पहले आपकी माँ दुर्गा में बहुत अटूट श्रद्धा थी, आपको बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? गुरुदेव के बारे में संत हमारे गांव के भगत जी उनसे बताया संत रामपाल जी के बारे में, तो मैंने उनको गलत भी समझा कि कोई संत परमात्मा नहीं हो सकता है और मेरी बीमारी कोई काट ही नहीं सकता है, जब इतनी बड़ी शक्ति मेरे साथ में है तो कोई नहीं काट सकता। तब माता जी ने मेरे को दर्शन दिए तो मैंने ये बोल दिया था माता जी को अगर तेरे से मेरी कोई समस्या ठीक नहीं होती हो तो मैं किसी की भी शरण में जाऊंगा। तभी माता ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ, तुम्हारी सब समस्या का हल वहीं हो जा, अगर कह रहे हो कि मेरे को छोड़ दो तो छोड़ दो, तेरी जो समस्या है मेरे से ठीक नहीं होगी। सर आप माँ दुर्गा की अटूट श्रद्धा के साथ साथ भक्ति भी किया करते थे और माँ दुर्गा ने आपको बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए और आपकी समस्याओं का समाधान वहीं हो पाएगा, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद
आपकी समस्याओं का समाधान हुआ और इसके अलावा क्या लाभ प्राप्त हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? पत्नी को ये बच्चेदानी खराब हो चुकी थी। मैं बदनावर भी गया, रतलाम भी गया, थांदला भी गया, सभी दूर गया, मगर वो बीमारी ठीक नहीं हुई और उसका पेट भी बहुत फूल चुका था। मैं फिर बढ़ने गए, डॉक्टर कापड़िया साहब ने बोला कि ऑपरेशन होगा, 3 गठाने हैं, इसमें 1 कैंसर की गठान है और इसके बाद हम रिस्क नहीं लेंगे और 15 रोज के अंदर अंदर तुझे ऑपरेशन करवाना है पड़ेगा। मैं घबरा चुका था, मेरे पास पैसे थे नहीं। मैं घर आ गया और मैंने कहा यह तो बीमारी अब कौन ठीक कर सकता है, ऑपरेशन जो गठान हो गया तो ऑपरेशन से ही बाहर होगी। उसी दिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन रहा था, इंटरव्यू में एक भगत जी ने बताया कि मेरी पत्नी को ये बीमारी थी और वो इसकी बच्चेदानी मैंने अर्जी लगाई, ठीक हो चुकी, इसलिए मैंने भी मन में विचार करके अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बेटा भक्ति करो, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। 3 दिन के अंदर अंदर मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है और आज तक भी कोई बीमारी उसको नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बीमारी बच्चेदानी की जो खराब थी, जो 3 गठाने थी, वो अपने आप फूट कर पेशाब की नाली से बाहर हो गई। उसके बाद मुझे भी 12 ही महीने बुखार रहता था सर, 12 ही महीने बुखार रहता था। हर साल मेरे को टाइफाइड होता था, मुझको सांस भी बहुत चलती थी, मैं इलाज भी करवा लेता मगर कहीं भी वो बुखार नहीं उतरता था। उसके बाद मेरे बच्चे को भी बीमारी थी, वो भी ऐसे चद्दर थे और जो लोहे की कील होती थी वो उसके पेशाब की जगह साइड में घुस चुकी थी और उसकी वो बाहर आ चुकी थी। डॉक्टर घबरा चुका था तो उन्होंने बताया कि ये बड़े अस्पताल में कहीं जाओगे तो ही ठीक होगी, इसका ऑपरेशन होगा। मगर मालिक से मैंने मन ही मन अरदास लगाई और बदनार सरकारी अस्पताल में गए। हॉस्पिटल में कंप्यूटर साहब जी थे, डॉक्टर साहब तो थे नहीं, उन्होंने ही मात्र 2 मिनट में उस बच्चे को टांके लगा दिए और वो बच्चा आज भी स्वस्थ है। संत रामपाल जी की कृपा से हमारी पत्नी की बीमारी, मेरे बच्चे की बीमारी, मेरी बीमारी, सब माली संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद सब ठीक ही, और अभी तक हम बिल्कुल सभी स्वस्थ हैं। हमारे घर का काम कारोबार भी अच्छा चलता है और कोई भी बीमारी नहीं हमारे घर में, सभी प्रकार से अभी हम सब ठीक हैं। ये तो छोटे छोटे तो वैसे बहुत ही लाभ है, मगर ऐसे सुनता है परमात्मा, ये संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके मुझे पता चला। मेरे बच्चे के कान में गेहूँ चला गया था, हमने कोशिश करी नहीं निकला, हम पास के गांव मुल्तान ले गए थे, वहाँ पूनमचंद जी पाटीदार डॉक्टर साहब है, उन्होंने भी वो देखा, निकालने की कोशिश करी मगर वो गेहूँ पर्दे के पास चला गया था। उन्होंने बताया कि अब रतलाम बड़े हॉस्पिटल में बताना, वो साइड में से चीरा दे के ये गेहूँ निकाल देंगे। हम घबरा चुके थे दोनों पत्नी पत्नी, हमने जाते वक्त मालिक से अरदास करी, दंडवत करी और मालिक से बोला कि मालिक ऐसा करना कि हम अभी जी घर आ जाएं, कोई खर्चा भी नहीं हो और ये ठीक हो जाना चाहिए। हम पास के गांव शिमला उदा गए, वहां पर डॉक्टर साहब अपने बस स्टैंड पर ही रहते हैं, वो बैठे थे, उन्होंने बताया क्या समस्या है मेरे को बताओ। तो हमने कहा था ये अंदर अगर इन कुछ करेंगे तो फिर ये पर्दा फोड़ देंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं आप लाओ, हम ले गए। उन्होंने कहा था क्या है, मैं ये गेहूँ अंदर चला गया और वो पर्दे के पास में है। उन्होंने कहा आप घबराओ मत, वो पानी का गिलास भर के लाए और 2 ही पिचकारी मारी थी, वो गेहूँ ऐसे निकाल के मुझे दे दिया, मैं देखता ही रह गया। और उनको यही एक और है, मैं यही था, मैं ही घबरा गया बस। जो मैंने वहाँ दंडवत करके संत रामपाल जी महाराज को, वही का वही वहाँ जाके हुआ, ना तो कोई पैसा लगा और 1 घंटे में वापस हम घर आ चुके। ऐसे ऐसे कई प्रमाण हमारे साथ में हुए हैं। उसके बाद ये मेरे दांत ये गिर चुके हैं, अभी भी दांत नहीं है, ये तंबाकू से हुए और यहाँ मेरे को कैंसर उठा था और जवान में भी कैंसर था, मगर जब हमने संत गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उसके बाद मुझे अभी तक कोई भी बीमारी नहीं है। और हम इतनी तंबाकू खाता था कि चाय तो और बहुत सारे पी लेते हैं मगर मैं खाना भी तंबाकू को साइड में दबा के खाता था, इतनी मतलब मुझे आदत लत पड़ चुकी थी, मैं तंबाकू के बगैर 1 मिनट भी नहीं रहता, जैसे थूका दूसरी बार उसी वक्त में डाल देता था। बीड़ी भी पीता था मैं, सिगरेट भी पीता था मैं, और मैं जहाँ तक कि मैं शराब भी पीने लगा था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी वो आदत छूट गई और आज तक मेरे को कभी वो ऐसा लत नहीं आती है कि मैं कुछ खा लूँ। आर्थिक स्थिति, हमारे शरीर के रोग थे, हमारे नशे की जो लत थी और कई प्रकार की बीमारी, हम भयभीत भी रहते थे। हमारे घर में हर 4-8 रोज में सांप या नागिन कहीं से भी आ जाती थी। मालिक की, संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने के बाद में वो आज तक वापस हमारे घर कभी नहीं आए और ये मेरी समस्याएं भी कोई कुछ भी नहीं रहे, आज तक हम कोई गोली तक भी पूरे परिवार में कोई नहीं लेता है।
सर आप एक बात बताइए, आप बजरंग बली की भक्ति करते थे और माँ दुर्गा में आपकी अटूट श्रद्धा थी, लेकिन इतनी भक्ति करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपको कैंसर हो गया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपका कैंसर ठीक हो गया और आप नशा मुक्त भी हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति साधना और दवा दी जिससे आपका कैंसर ठीक हो गया? वो शास्त्र के अनुसार जो भी भक्ति बताई वो शास्त्र के अनुसार है। गीता में भी 17वें अध्याय के 23 श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन मेरा ओम तत् सत, ये नाम है, तत् और सत ये सांकेतिक नाम है जो कोई, उन्होंने अर्जुन को कहा कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, 15वें अध्याय में बताया है, जो पीपल का वृक्ष भी बताया है कि वो जो पीपल का वृक्ष का जो पूरा भेद बता दे वो तत्वदर्शी संत है, उसकी पहचान बताई है, वो तत्वदर्शी संत होगा। उस संत की शरण में जाके अगर तू नाम दीक्षा लेगा तो ही तू मोक्ष को प्रदान होगा, वरना जन्म और मरण तेरे भी है अर्जुन, मेरे भी है। कई बार तू जन्म मतलब हो चुके, तुझे मालूम नहीं मुझे मालूम है। उसके बाद भगवान ने ये अर्जुन को ज्ञान दिया कि तू किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा जहाँ से तू मोक्ष को प्राप्त होगा। कई संतों से सुने हैं कि अपने अपने मतलब अपने अपनी भाषा में लोगों को समझा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, बाकी ये शास्त्र के अनुकूल साधना नहीं है, शास्त्र की विपरीत साधना अपने अपने सब चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम गए तो शास्त्र के आधार पर हमें पूरा प्रमाण सहित संत रामपाल जी महाराज आज भी बताते हैं, पूरे प्रमाण के साथ में जो भक्ति बताते हैं उसी भक्ति से हमें सुख मिले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका कैंसर ठीक हो गया, आपकी पत्नी का कैंसर ठीक हो गया और भी बहुत सारे लाभ आपको हुए, तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले, आपकी कोई भी बीमारी होगी बिना पैसे से ठीक हो जाएगी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे टीबी हो, या असाध्य रोग हो, दुनिया में कहीं भी नहीं ठीक होता हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से और नाम दीक्षा लेने से ठीक हो जाएगी। सर आपने यहाँ पे बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। आज बहुत सारे अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, तो क्या वह सारे मरीज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? जी, राम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद और जो उनकी मर्यादाएं हैं उन मर्यादा में रहकर, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे किसी धर्म संप्रदाय किसी का भी हो, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और नाम दीक्षा ग्रहण करें और नियमानुसार रहें। धरती में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज नाम लेने के बाद आपको टच भी कर दे, अगर आप नियम पर हैं तो। अगर नियम नहीं है तो मालिक तो कहते हैं कि नियम में रहना पड़ेगा, अगर नियम में रह के भक्ति कर सकते हैं, जो मांस खाता है और सारी भक्तियां कर रहे हैं लोग, मांस भी खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गांजा भी पी रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े संत इस धरती पर हैं उनके वो गांजा भी नहीं छुड़ा सकते, वो खुद पीते हैं, तो वो परमात्मा को प्राप्त हो ही नहीं सकते। ये किसी शास्त्र में नहीं है कि इतना खाने पीने के बाद भी हमें परमात्मा मिल जाएगा, शास्त्र को विपरीत जो भी जाएगा वो कोई भी संत इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर इनकी शरण में आने से चाहे कोई भी बीमारी हो, कितनी भी खतरनाक बीमारी हो, मुर्दे भी जिंदे संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं, तो आप यही है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और दीक्षा ग्रहण करें, सभी समस्याएं संत रामपाल जी महाराज जी ठीक करेंगे गारंटी के साथ में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज का 1 घंटे का प्रवचन आता है और भी बहुत सारे चैनल हैं वहाँ पर भी आते हैं, वहाँ नीचे पीली पट्टी चलती है उस पर नंबर रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सेंटर खुले हुए हैं, आप वहाँ फोन करिए, आपके पास के सेंटर का वो पूरा बता देंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में फ्री से आपको नाम दीक्षा दी जाएगी। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541, 8222880542, 8222880543, 8222880544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।